हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है पीजीटी जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये निकाला है उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज, तो 23 एलनगंज प्रयागराज 211002। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज है वो पीजीटी के लिए है। तो मोस्टली जितने सब्जेक्ट है उन सबके लिए जो है पीजीटी के लिए आवेदन मांगा गया है। तो अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 29 अक्टूबर से हो गया है, और जो ऑनलाइन लाइक फी है उसे लाइक सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है, वो स्टार्टिंग डेट है वो 29 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है वो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो स्टार्ट हो गया है 29 अक्टूबर, और आप साथ ही साथ जो फी है वो ही पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करें इसकी जो अंतिम तिथि है, तो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 27 नवंबर है। वहीं अगर बात करें फी पेमेंट की लास्ट डेट, वो है 27 नवंबर। और जो आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन है या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2020 है। तो इसमें मोस्टली 2595 जो टोटल वैकेंसीज हैं, 2595 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट हैं उन सबके लिए जो है 2595 जो वैकेंसी है वो निकाला गया है। अब जो वैकेंसी है ये डिवाइडेड है बॉयज में और गर्ल्स में। ठीक है, डिफरेंट जो बॉयज इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेजेस हैं और जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, तो उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वैकेंसी निकाली गई। इसमें ये बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप बॉय हैं तो आप सिर्फ बॉय कॉलेजेस में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेडीज हैं तो आप जो बॉयज एज वेल एज गर्ल्स कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। अब आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना तो आपको www.upseesb.org पर जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब जो ये वैकेंसीज ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। ठीक है, तो ये अभी फिक्स वैकेंसी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। अब देख लेते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन की, तो 30 नवंबर है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी पेमेंट करना है और फॉर्म सबमिशन करना है। तो ये जो है आपका 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये स्टेप फॉलो करके जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, लाइक फी कितना आपको पे करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो फी पेमेंट है आप मेंशन कर रखा है, अगर आप जनरल हैं तो आपको यहाँ पे 700 आपकी एप्लीकेशन फी है, और जो 50 रुपीज जो है आपका ऑनलाइन फी है। ठीक, टोटल यहाँ पे 750 फी आपको टोटल यहाँ पे करनी होगी। वहीं अगर आप EWS के हैं तो आपको यहाँ 650 पे करनी है। वहीं अगर आप OBC हैं तो आपको यहाँ पे 750। वहीं अगर आप SC या ST हैं तो आपको 450, और ST के लिए 250 जो है एप्लीकेशन फी यहाँ पे आपको पे करना है। ठीक है, इसके साथ ही यार आपको फोटो फोटो सिग्नेचर ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे जो है वो अटैच करनी पड़ेगी, आपको मतलब आपको अपलोड करनी। तो वो लाइक एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप फोटो सिग्नेचर ये सब चीजें जो है पहले ही प्रिपेयर कर लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। अब हम देख लेते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पे एज लिमिट जो यहाँ पे ये मेंशन कर रखी है 1 जुलाई 2020। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को आपकी एज 21 ईयर की हो जानी चाहिए। अगर आप 21 ईयर के नहीं हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए फिलअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात करें अगर मैक्सिमम एज लिमिट की, तो वो मेंशन नहीं की जा सकती। तो अगर आप 30 या 35 ईयर्स के भी हैं या 40 ईयर्स के भी हैं, तब भी आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो मेंशन नहीं की है। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी की। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट एमोलूमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 47,600 टू 1,51,100 पे लेवल, और जो ये पे लेवल ये 8 है, और ग्रेड पे यहाँ पे 4,800 यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है। ठीक है, अब हम देख लेते कुछ और पॉइंट्स। शैक्षिक योग्यता जो है आपकी एलिजिबिलिटी वो आपको अभी मैं नीचे दिखाऊंगा। अब देखिए, बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो यहाँ पे जो है आपके जितने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे वो सिर्फ यूपी में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यूपी में वे भी डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज है वहाँ पे आपके जो है लाइक एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, आपको सिर्फ यूपी में ही एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका लिखित परीक्षा होगी यानी कि रिटन एग्जाम होगा वो 85% मार्क्स होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स है वो 10% है, यानी 10% मार्क्स है। और ये 10% मार्क्स भी है वो डिवाइड है सब कैटेगरी में। तो देखिए, अगर जो 4% मार्क्स होंगे इट विल बी फ्रॉम द सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से, 3% यानी 3% मार्क्स जो रहेंगे वो आपके व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि आपके जो पर्सनैलिटी की बेस पे कि आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और जो 3% मार्क्स होंगे वो आपकी जो है योग्यता की बेस पे, मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे होंगे।
इसके साथ ही साथ इन्होंने देखिए कुछ और 5% जो मार्क्स हैं, जैसे कि अगर आपने देखिए डॉक्टरेट, यानी कि आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो यहाँ पे 2% मार्क्स आपको मिलेंगे, वहीं अगर आपके पास एमएड है तो यहाँ पे 2% मिलेंगे, अगर आपके पास बीएड एडिशनल तो आपको यहाँ पे 1% जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इसमें ये अगर आप जो है जो नॉर्मल पीजी डिग्री कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट से की, फॉर एग्जाम्पल अपने जो एमएससी की बॉटनी से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई भी बीएड जो है कंपलसरी नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन और इसका आप तो है आपको 1% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम होगा वो होगा आपका 425 मार्क्स का, और जो आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का, और जो स्पेशल लाइक जो योग्यता है उसके बेस पे, जैसे कि डॉक्टरी, जैसे कि डॉक्टर की उपाधि या एमएड या बीएड, तो उसके मिला के 25 मार्क्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो लाइक मार्क्स होंगे वो रहेंगे 500 मार्क्स, और इसके बेस पे ही मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के बेस पर ही आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन विल हैव 30.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो 390 मार्क्स का होगा, और 1 मार्क्स जो है वो 3.12 अंक का होगा तटस्थ प्रवक्ताओं के लिए। ठीक है, तो तटस्थ प्रवक्ताओं के लिए जो है 390 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो नॉर्मल लोग के लिए होगा वो रहेगा 425 मार्क्स के लिए, यानी प्रवक्ता सर्वंत के लिए 425 मार्क्स का जो है एग्जाम रहेगा, और जो एग्जाम का टाइम रहेगा वो रहेगा 2 आवर का। ठीक है, तो 2 आवर का रहेगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एग्जाम जो लाइक क्वेश्चंस होंगे इट विल बी एमसीक्यू टाइप। ठीक है, अब हम देख लेते कुछ और। तो देखिए यहाँ पे क्या, लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदत्त प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अब लिस्ट में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के साथ साथ जो स्पेशल लाइक आपने के पास डिग्रियां हैं, जैसे पीएचडी या एमएड या बीएड, तो उन सब का जो मार्क्स मिला के जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वेटेज दिया जाएगा वो लीड दिया जाएगा आपका रिटर्न एग्जाम में जितने आपने मार्क्स सिक्योर किए, यानी 85% मार्क्स रिटर्न एग्जाम्स के रहेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका कोई भी जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप जो है जितने क्वेश्चन दे रखे हैं 125, तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ मेंशन नहीं की रखी है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये सारे फॉर्म्स से, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको ये सब जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बालक वर्ग, यानी कि जहाँ पर सिर्फ लाइक लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे प्रवक्ता वर्ग में। यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है वो डिफ्रेंशिएट कर रखी है, डिवाइडेड कर रखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 68, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 1 जो है वैकेंसी निकाली गई। टोटल वैकेंसी यहाँ पे अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो 108 है। तो ऐसे ही आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ 2281 वैकेंसी। वहीं अगर बात करें प्रवक्ता बालिका वर्ग, तो देखिए यहाँ पे जो बालिका वर्ग है यहाँ पे लड़की अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे टोटल सीटें भी ऐसे ही दे रखी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो आप जिस भी कैटेगरी में आप उसकी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं साइंस का, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, तो जीव विज्ञान का अगर हम लेते हैं तो देखिए जीव विज्ञान में क्या है आपका, अगर वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी या जूलॉजी के साथ आपकी एमएससी है, आपने की एमएससी जूलॉजी या बॉटनी में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर बात किया, अगर आपने किसी विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी की है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो देखिए ये सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है, लेकिन अगर आपका बीएड एमएड या पीएचडी या कोई और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता के में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे आपको जो है सिवरली आपको यहाँ पे लाइक प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबके अलग मार्क्स हैं, लेकिन जो मेनली यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी वो है एमएससी विद बॉटनी और जूलॉजी या एमएससी विद लाइफ साइंसेज। ठीक है, ओके, अगर आपके पास ये डिग्री तो आप इजिली जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको जितने मोस्टली जितने सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो देखिए सैन्य विज्ञान, मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट है उन सबके लिए जो है वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके पास की, बहुत दिनों बाद जो है यूपी में ऐसी इस टाइप की जो पीजीटी की वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो अगर आप जो है इन वैकेंसीज को की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप जो है इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी
डाउट है इस पीजीटी के फॉर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं श्योरली आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।